नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कल बता दें, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा में वोटिंग होगी। रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो तैयारियां पूरी हैं, अब वोटर की बारी है। कल मतदान होना है और उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दल भी रवाना हो चुका है। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर रहेगी। सभी तरह के व्यवस्थाएं, इंतजाम पोलिंग बूथ्स पर रहेंगे कि किसी भी तरह की परेशानी किसी को भी ना हो। 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह का इंतजार है जब वोटिंग की शुरुआत होगी। बेसब्री से वहां के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। न्यूज 18 भी आपसे अपील करेगा कि कल सबसे पहले पहुंचिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। कल सुबह से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और सुबह 6 बजे से महाकवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा हर एक पोलिंग बूथ का हाल, कहां पर कैसा हाल है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कितना प्रतिशत कहां पे मतदान हो रहा है। सारी अपडेट पल पल की आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देता रहेगा। तो मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं मतदान केंद्रों पर। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 जगह पर चुनाव होने हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस कल सुबह का इंतजार है जब मतदान की शुरुआत होगी। सब कुछ तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम हैं, साथ ही साथ सभी तरह की व्यवस्थाएं, गर्मी भी है उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं। और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि घर से निकलिए, वोट करिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश मौर्य हैं बिलासपुर से, उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले रायपुर का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि राजधानी भी है। युगल, कैसी तैयारियां कल के चुनाव को लेकर के? मतदान कर्मी जो है मतदान केंद्रों तक तो पहुंच चुके हैं, आखिर मतदान केंद्रों पर कैसी तैयारियां की गई हैं? जी देखिये, 168 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला है, कल मतदाता है वो करेंगे। और 200 से अधिक जो कंपनियां हैं, सुरक्षा बल है, वो पूरी तरह से तैनात रहेंगी। अगर हम पूरी बात करें तो अलग अलग पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है, किसी तरह की कोई चूक ना हो सुरक्षा में, उसका व्यापक इंतजाम किया गया है। क्योंकि भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही है तो इस लिहाज से जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर भी कूलर भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई मतदाता है उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। 58 विधानसभा इसमें शामिल है, 7 लोकसभा में, तो उनमें तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन अब जो वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार मतदाताओं को रहता है, जनप्रतिनिधियों को रहता है, और कल जाएंगे और सभी मतदान करेंगे। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। प्रदेश भर के जितने भी मतदान केंद्र हैं 15,000 से अधिक, वहाँ पर मतदान दल वहाँ पर पहुँच चुका है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक तैयारी है वो की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे हर मतदाता आहुति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। VVIPs हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, कल अपने अपने समय पर, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रत्याशी हो, सभी जाएंगे अपने अपने जो समय निर्धारित समय है वहाँ पर वोट भी डालेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई बगिया में भी यहाँ से रायपुर से जाएंगे और बगिया में मतदान करेंगे। जी ठीक, लगातार बने रहिए। बिलासपुर का भी रुख कर लेते हैं। बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर के क्या हाल है, कैसी गर्मी वहां पर हो रही है और कैसी तैयारियां कल के चुनाव को लेकर के, महापर्व को लेकर के, लोकतंत्र के? ऋतु जी देखिए, आज जब मतदान दल को स्ट्रांग रूम के लिए से रवाना किया जा रहा था तमाम मतदान केंद्रों में,
तभी गर्मी का एहसास मतदान दलों को देखने को मिला था। उनके माथे की जो पसीने और जो तरबतर थे गर्मी की वजह से, वो वहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तमाम जो तैयारियां हैं तमाम केंद्रों में वो पूरी कर ली गई है। पानी की व्यवस्था की गई है, छाँव की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कतें ना हों। अगर बिलासपुर लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ 21 लाख से अधिक जो है मतदाता है। पिछले बार यहाँ पर 64% जो है मतदान हुआ था। इस बार जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और अभियान चलाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, इसके लिए भी जो लगातार अभियान यहाँ पर स्वीप के द्वारा चलाया गया है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त मतदान केंद्र में हूँ। आप देखें कि मतदान केंद्र में घुसते ही साथ यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर पंखे की व्यवस्था की गई है। देखिए पंखा जो है वो पूरी तरीके से लगाया गया ताकि गर्मी से किसी को परेशानी ना हो। इसके साथ ही देखिए टेंट भी लगाया गया है। मान लो यदि किसी को छाया की ज़रूरत है या किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि जो तमाम मतदान दल के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब ये इनकी सोने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि ये दोपहर को यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद से सुबह इन्हें 5:30 बजे उठना होगा और 5 बजे सबसे पहले इन्हें एक ट्रायल देना होता है, वो भी मॉक पोल का ट्रायल देना होगा। तो हमारे साथ यहाँ पर पीठासीन अधिकारी भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी हो चुकी है आपकी और क्या कुछ कब कितने बजे मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 5 बजे से हम लोग मॉक पोल की तैयारी कर देंगे, है ना। लगभग 50 न्यूनतम मॉक पोल कराएंगे। इन लोगों को बोल दिया गया है वो समय पर उपस्थित हो जाए। उसके बाद 7 बजे से अपना मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, है ना। उसके लिए सूचित कर दिया गया है BLO के माध्यम से, सभी मतदाता जो है निर्धारित समय पर आना शुरू कर दें और अपना मतदान का प्रयोग करें। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, जो 75 पार है, 60 पार है? अब उनके लिए चेयर का व्यवस्था किया गया है, आके मतलब बैठ सकते हैं, है ना। धूप की समस्या नहीं है क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है तो आराम से ठीक आराम किया जा सकता है। तो सुन सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं ऋतु जी वो कर ली गई है, बस इंतजार है सुबह 7 बजे का। जैसे ही 7 बजे का मतदाता इस लोकतंत्र के महापर्व पर आहुति देंगे। जी ठीक लगातार बने रहिए हमारे साथ। मिथिलेश ठाकुर भी दुर्ग से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या हाल है दुर्ग के, कैसी तैयारियां कल के चुनाव को लेकर के और गर्मी के क्या हाल है वहां पर? निश्चित रूप से कल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में सभी आहुति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गर्मी जो है वो काफ़ी है, 43 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंच गया है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इसलिए जो समय में भी परिवर्तन किया गया है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि मतदान केंद्रों में गर्मी से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए, पानी की व्यवस्था की गई है, कई जगहों पर चिकित्सक की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ में जो बुजुर्ग आएंगे उनको घर से लेकर मतदान केंद्रों तक लाने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग की ये पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदान हो और लोग इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी आहुति डालें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए लगातार 20 दिनों से स्वीप अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था और अब वो वक्त आ गया है कि जब उसको अमली जामा पहनाना है, जब मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लेकर आना है। तो निश्चित रूप से सभी की बेचैनी बढ़ी हुई है, बस इंतज़ार किया जा रहा है कल सुबह का जब मतदान आरंभ होगा। मतदान केंद्रों तक मतदान कर्मी सभी पहुंच गए हैं, सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दुर्ग जिले में करीब 20,90,000 मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। तो बस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, चाहे राजनीतिक दल की बात किया जाए, चाहे आम लोगों की बात किया जाए, चाहे निर्वाचन विभाग की बात किया जाए, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। कल जो है अंतिम दिन होगा जब उस तैयारियों का अंतिम रूप दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल, मिथिलेश और रोमेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में कल तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है और ऐसे में मतदान के लिए मुंगेली में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के दौरान लोगों को गर्मी से परेशानी ना हो इसके लिए केंद्रों में विशेष सुविधाएं की गई हैं। साथ ही मतदान से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को लापरवाही न बरतने, जिलाधिकारी से निर्वाचन कार्य करने की बात कही है। मतदान के लिए मुंगेली जिले में भी तैयारियां की जा रही है और मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं और अब मतदान दलों को यहां से रवाना किया जा रहा है। देखिए सर, आज सुबह 6 बजे से ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी और हम लोग सभी मतदान केंद्रों के लिए जो हमारे 198 रूट्स बने हुए हैं उसकी गाड़ियाँ हैं, उन सभी गाड़ियों को आज रवाना कर रहे हैं। सबसे पहले हमने
एसपी साहब के साथ, जो हमारे अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र का शेडो एरिया पड़ता है, जो काफ़ी दुरुस्त और पथरीला इलाका है, वहाँ पे हमने गाड़ियाँ रवाना की। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको फील पर्ची दी जा रही है, साथ ही साथ वाहन प्रभारियों के मांग पे जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी पूर्ति करते हुए गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। हम यही चाहते हैं कि शाम ढलने के पहले, काफ़ी पहले, सारी गाड़ियां मतदान केंद्रों पे पहुंच जाएं, सारे मतदान दल पहुंच जाएं। तो आप देख सकते हैं ये राहुल जो बता रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए पूरी तैयारी की गई, साथ ही मतदान जो दल हैं उनको रवाना किया जा रहा है, जिससे कल जो मतदान है वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके। प्रशांत शर्मा, न्यूज 18, मुंगेली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का सियासी बखेड़ा जारी है। आज दिल्ली में राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोपों की झड़ी लगा दी तो कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राधिका के आरोपों को मनगढ़ंत बताया। राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने के साथ ही बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां देने के आरोप लगाए। साथ ही आला नेताओं को लेकर कहा कि फोन करने पर किसी ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। राधिका ने रामलला के दर्शन का जिक्र किया, कहा कि इससे उसके बाद से कांग्रेस मेरे खिलाफ हो गई। और उधर राधिका खेड़ा के आरोपों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सिरे से खारिज कर दिया। दीपक बैज ने कहा कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा का आपसी विवाद था, जिसको उन्होंने पार्टी का मुद्दा बना दिया। वहीं शराब ऑफर करने के आरोपों को दीपक बैज ने मनगढ़ंत करार दिया। साथ ही राम मंदिर के नाम पर कहा कि मैं भी राम की पूजा करता हूँ, जब भी मौका मिलेगा मैं अयोध्या जाऊंगा। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने भी राधिका के आरोप को गलत करार दिया। अब आपको राधिका के आरोप और दीपक बैज और सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार सुनाते हैं। यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी। कांग्रेस कार्यालय में आज भी आप देखेंगे, चाहे कंट्रोल रूम हो या फिर हमारा वॉर रूम हो, सभी जगह महिला कर्मचारियां आज भी काम कर रहे हैं और वो सुरक्षित हैं, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में आज तक कभी इस तरह हुआ न कभी होगा। हाँ, दोनों के बीच में, सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेदी थी दोनों के बीच में। तो कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया। अरे, मैंने उनका दरवाजा ठोका था, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था, उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता हुई। मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया, बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई, और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी, और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी, और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। अपनी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर, घर के विवाद को लेकर, अगर कोई कहे कि मैं राम मंदिर पूजा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, ये तो देश के सभी नागरिक जाते हैं, समय मिलेगा दीपक बैज भी जाएगा, नहीं जा पा रहा हूं तो घर से पूजा कर रहे हैं, तो इसको जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता है।
ये सही है। राधिका खेड़ा कांग्रेस छोड़ने पर क्यों आखिर मजबूर हो गई और कैसे राम नाम लेने पर राधिका खेड़ा का कांग्रेस में अपमान हुआ, इनकी इसकी पूरी कहानी उन्होंने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में बताई। देखिए राधिका खेड़ा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक झलक। राधिका जी, 22 साल आपने जिस पार्टी में पसीना बहाया, 22 साल जिस पार्टी की आप आवाज बनी, 22 साल जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा तक, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में उस 22 मिनट में क्या हुआ जिसने 22 साल की मेहनत को डगमगा दिया? मैं एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मेरी नानी की डेथ हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखा हुआ था वो तब भी दर्शन करके आई थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम जी के दर्शन करना। उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने कहा कि वो राम जी के दर्शन करना चाहती हैं, तो हम राम लल्ला के दर्शन करके आए। उसके बाद जब मैं आई तो मतलब मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, जिसे कहते ना मैं तन मन आत्मा से बिल्कुल राममय हो चुकी थी। उसके बाद मैं जब वापस आई मैंने अपने घर के बाहर जय श्री राम का ध्वज भी लगा दिया जो मैं वहीं अयोध्या से लेकर आई थी। उसके बाद से जब मैंने फोटो शेयर करी हर जगह डाली तो उसके बाद से एक बहुत गुस्सा सा मेरी पार्टी में आ गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ था जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही थी, तब भी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाला तो तब भी पार्टी से मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था कि वो फोटोग्राफ्स को, वो पाठ की सारी वीडियो को उतार दे, लेकिन मैं अडिग रही और मैंने नहीं हटाया। तो लगातार मुझे ये कहा जाता था कि मैं बहुत धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, मैं हिंदू धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ और कहा जाता था तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, कम बोला करो। जबकि मैंने कभी भी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, हम एक सेक्युलर पार्टी हैं तो उस हिसाब से मेरे को पूरा हक बनता था धर्म प्रैक्टिस करने का। और मैं सिर्फ तब बोलती थी जब हमारे धर्म पे कोई अटैक होता था। मैं कभी भी किसी और धर्म को छोटा नहीं करी हूं और किसी एक धर्म को बड़ा नहीं करी हूं, लेकिन इस बात की सजा मुझे इस तरीके, ठीक है आपने मुझे डिबेट्स पे रोक दिया, आपने मुझे और काम देने से रोक दिया, आपने मुझे ऑफिस में जलील कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मेरे आप अस्तित्व को ललकारेंगे, मेरी इंटेग्रिटी को ललकारेंगे, ऐसा पार्टी करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। राधिका खेड़ा के न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए रात 8:25 पर। और आइए